शुरुआत करते हैं, बात सबसे पहले करते हैं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कैबिनेट की। कैबिनेट तो बन गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा विधायक मंत्री बना है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। रिपोर्ट देखिए। जनता की ताकत क्या होती है और लोकतंत्र कैसे चलता है, ये देखने और समझने के लिए हमें छत्तीसगढ़ में हुए इस साल के विधानसभा चुनाव को देखना चाहिए। ये समझने के लिए जनता की सेवा करने के लिए किताबी ज्ञान की नहीं बल्कि दिमागी तौर पर सक्षम होना जरूरी है और नीयत भी साफ होनी चाहिए। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कवासी लखमा एक ऐसे विधायक हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन साल 1998 से लगातार कोटा विधानसभा सीट से विधायक चुने जा रहे हैं और इस बार ऐतिहासिक जीत के बाद सूबे की भूपेश सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है। दरअसल मंगलवार को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार में 9 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सभी विधायकों ने हिंदी में शपथ ली, लेकिन कवासी लखमा अपना शपथ तक नहीं पढ़ पाए। उन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ पूरी कराई। दरअसल शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर जब कवासी लखमा का नाम पुकारा गया, वो शपथ ग्रहण करने के लिए आए, लेकिन वो खुद शपथ नहीं पढ़ सके। इसके बाद छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूरी शपथ पढ़ी और मंत्री दोहराते रहे। कवासी लखमा ऐसे मंत्री है जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। उनका जन्म साल 1953 में सुकमा जिले के नागारास गाँव में हुआ था। मूल रूप से किसानी का काम करने वाले लखमा राज्य के गठन के बाद से ही लगातार चुनाव जीतते रहे। वो बस्तर की कोटा सीट से विधायक है। अनुसूचित जाति से आने वाले कवासी लखमा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा भले ही नहीं ली हो, लेकिन वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। कांग्रेस की सत्ता में आने के पहले वो विपक्ष में रहते हुए उपनेता विपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब कवासी लखमा मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ और कभी भी स्कूल नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। समाज के सभी तबके से लोग, जिसमें बिजनेस क्लास, गरीब और युवा आते हैं, सभी मुझे प्यार करते हैं। मैं औपचारिक पढ़ाई नहीं हासिल कर सका, लेकिन इसके बावजूद मंत्री बना हूँ। अब मैं गरीब लोगों के लिए काम करूंगा। जब कवासी लखमा से पूछा गया कि पढ़ने लिखने में सक्षम ना होने के चलते वो मंत्री के रूप में कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और फाइलों आदि पर साइन कैसे करेंगे, इसके जवाब में कवासी लखमा ने कहा कि भगवान ने मुझे वो बुद्धिमता दी है। मैं पिछले 20 सालों से विधायक हूँ। इस दौरान मुझ पर कभी भी भ्रष्टाचार और बेईमान होने के आरोप नहीं लगे। मुझे यकीन है कि मैं मंत्री के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभाऊंगा। आपको बता दें, कवासी लखमा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पुराने नेताओं में शुमार किए जाते हैं। कांग्रेसी नेताओं पर साल 2013 में हुए नक्सली हमले के दौरान कवासी लखमा सुरक्षित बचे लोगों में भी शामिल थे। सुकमा जिले के दरभा घाटी इलाके में हुए नक्सली हमले में 27 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों में पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र कर्मा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चीफ नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ला भी शामिल थे। ये पहला मौका नहीं है जब कोई मंत्री शपथ नहीं पढ़ पाया हो। इससे पहले 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार के गठन के दौरान लालू के बेटे तेज प्रताप यादव भी अपनी शपथ नहीं पढ़ पाए थे। छत्तीसगढ़ डेस्क, टोटल न्यूज। तो भूपेश बघेल ने कल अपने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसमें 9 मंत्रियों ने शपथ ली। इस पर बीजेपी अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थापना जब से हुई है तब से पहला मौका है कि कैबिनेट को लेकर इस तरह का अविश्वास देखा जा रहा है और कांग्रेस के ही विधायकों ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि एक संभाग को 6 मंत्री मिल गए, दूसरे संभाग को एक मंत्री भी नहीं दिया गया, लिहाजा कांग्रेस के कैबिनेट में क्षेत्रीय असंतुलन साफ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 4 वरिष्ठ नेता खुद को कैबिनेट में नहीं लिए जाने से नाराज हैं। इनमें धरेंद्र साहू, अमितेश शुक्ल ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया था, जबकि रामपुकार सिंह, सत्यनारायण शर्मा शपथ ग्रहण में पहुंचे जरूर थे, लेकिन कैबिनेट में न लिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी सब चुनाव में लगे हुए थे और चुनाव के बाद में 11 तारीख को रिजल्ट आया है।
इसके बाद में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है, युवा मोर्चा की बैठक हुई है और आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। मुख्य रूप से इसमें एजेंडा हमारे सामने लोकसभा का चुनाव, उस चुनाव को लेकर के युवा मोर्चा के द्वारा पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर तय की जाएगी। साथ ही साथ में हमारे जो कार्य समिति में जो तय हुए हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी में तय हुए हैं युवा मोर्चा के, उस कार्यक्रम को यहाँ पर धरातल में उतारने के लिए उसकी पूरी रूपरेखा आज तय की जाएगी। अलग अलग प्रभारी बनाए जाएंगे, अलग अलग कार्यक्रम हमारे होंगे उसमें, और अलग अलग कार्यक्रम का जो प्रकार है उसके लिए प्रदेश में अलग अलग जिला में कौन से कार्यक्रम तय होना है, ये सारे चीजों को आज यहाँ। और कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज वरिष्ठ नेताओं के स्वर अब सुनाई दे रहे हैं। इसके साथ ही मान मनोवल का दौर भी शुरू हो गया है। कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज विधायकों को मनाने का दौर शुरू हो गया है। सीएम बघेल का कहना है कि नाराजगी जल्द दूर कर ली जाएगी। अब देखिए, थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, मन में इच्छा रहती है कि हम लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल हों और मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, लेकिन सबको शामिल करना संभव है ही नहीं, तो कुछ लोगों में नाराजगी। विपक्ष असंतुलन कह रहा है और एकला चलोपति बन गए हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। वो पहले जो 15 साल में एक मंत्री, और वहीं घोषणा पत्र में किए गए वायदों को सरकार पूरा करने में जुट गई है। किसानों की तरफ से लीज मिली गई जमीन मामले में सीएम का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूं कि ये देश में पहला उदाहरण है कि जिसमें किसानों के 2013 कानून बनने के बाद जो किसानों की जमीन ली गई थी और 5 साल में उद्योग नहीं लगे, वो जमीन वापस करने की पहली कार्रवाई है। और एक निश्चित रूप से जो राहुल जी ने कहा था, हम जमीन वापस करेंगे उसको। वही विपक्ष की संख्या बल कम होने पर बघेल ने कहा कि मैं किसी को कमजोर नहीं समझता, जो हमें कमजोर कहते थे आज उनको जनता ने नकार दिया है। विपक्ष कमजोर है क्या? मैं किसी कमजोर नहीं मानता, और विधानसभा में निश्चित रूप से हम लोगों की संख्या बल बहुत है। भारतीय जनता पार्टी हाउस में कहती रही है कि कांग्रेस सिमट जाएगी, ये लोग दावा करते थे कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़, कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, वो खुद ही 15 साल में 15 ही रह गए, तो अब उनकी भूमिका क्या होगी, कैसे होगी वो। बघेल कह रहे हैं कि हम विपक्ष को कमजोर नहीं मानते और जो हमको कमजोर मान रहे थे जनता ने उनको नकार दिया। बहरहाल बता दें आपको, कैबिनेट गठन तो हो गया है लेकिन नाराजगी का दौर जारी है। बहुत से ऐसे कद्दावर नेता थे जो कि सीएम पद की दौड़ में थे, उनमें से एक टीएस सिंहदेव भी थे। उनका क्या रिएक्शन है जब मीडिया ने उनसे बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। स्थिति बनती है, इतने वरिष्ठ साथी हैं मंत्रिमंडल में, जगह नहीं मिलने से स्वाभाविक है कि भावनाओं को ठेस पहुंचता है। कुछ हद तक मजबूरी होती है कि 13 से ज़्यादा मंत्री हो नहीं सकते, हर क्षेत्र से एक संतुलित स्थिति बनाने का भी प्रयास, तो कहीं ना कहीं उसमें ये स्थिति बननी ही थी, ये होना ही था। अभी एक जगह खाली है, उम्मीद है। आप देखिए, बस्तर संभाग से देखिएगा तो एक ही बन पाए हैं, हालांकि लोकसभा के हिसाब से अनिला जी का कांकेर से आया, रायपुर संभाग से एक ही बन पाए, सरगुजा संभाग से दो हैं वर्तमान में। इस स्थिति में अब एक लेना है तो कहाँ से लेंगे, दुर्ग से सबसे, बस्तर से नहीं लेंगे। हाँ, दुर्ग से कुछ परिस्थिति ऐसी बनी है कि 6 हैं। जिम्मेदारियां बहुत हैं, जिम्मेदारियां निर्वहन करने के लिए केवल मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में ही नहीं, बहुत जिम्मेदारी के जगह और हैं जहां सभी साथियों का और विशेष करके जिनका ज़्यादा अनुभव है उनकी उपस्थिति सबको लगेगी और जरूर उन लोग उन जिम्मेदारियों का निर्वहन। चलिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कर रहे हैं कांग्रेस, लेकिन बीजेपी इस समय काफी आक्रामक हो गई है और फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहती है 2019 के लिए। यही वजह है कि अभी से प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है बीजेपी ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज राज्यों के प्रभारियों को नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाए गए हैं अनिल जैन, छत्तीसगढ़ की कमान संभाल सौंपी गई है अनिल जैन को।
इससे पहले अनिल जैन हरियाणा के भी प्रभारी हैं। राज्यों में बीजेपी ने अपने प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह 3 राज्यों में कमबैक किया है कांग्रेस ने, सत्ता हाथों से गई है बीजेपी की। ऐसे में बीजेपी अब कोई मौका नहीं गंवाना चाहती, तैयारी अभी से मिशन 2019 के लिए। अनिल पुसादकर जी जुड़ गए हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़ के। अनिल जी, बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है 2019 के लिए, अनिल जैन को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। जी, अनिल जैन पहले भी प्रभारी थे संगठन के छत्तीसगढ़ के, तो अनिल जैन की नियुक्ति पे कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी जो है अभी से जुड़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जो है जो अध्यक्ष है वो बस्तर का दौरा कर पा रहे हैं, 2 दिन यहाँ के धर्मलाल कौशिक है प्रदेश अध्यक्ष, वो 2 दिन का दौरा कर रहे हैं बस्तर जिले का। अब उसके बाद ये जो रमन सिंह खुद निकलने वाले हैं, तो तैयारी तो इन्होंने शुरू कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने हार को स्वीकार भी किया है, और स्वीकार करने के साथ साथ अब वो उनको ये समझ में भी आ गया है कि आपको जो है नए सिरे से जो है संगठन को भी देखना पड़ेगा, और नए जो चुनाव चुनौतियां जो नई है, क्योंकि अब आप प्रदेश में उनके पास सरकार नहीं रही, सरकार जो है कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस हाल ही में अपार बहुमत से जीत कर आई है, तो उनको सब समीकरणों को फिर से उनको चेक करना पड़ेगा, और नए सिरे से फिर से जुट गए हैं, ये एक अच्छी बात है। और अमित शाह ने जो नियुक्ति की, अमित शाह पहले भी यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ पर उनका फोकस था, वो 2 बार खुद भी यहाँ आकर बैठक ले चुके थे, और उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं चुनाव जिताऊंगा, लेकिन वैसे नतीजे उनके उम्मीद के अनुरूप नहीं आए हैं। लेकिन अनिल जैन की प्रभारी नियुक्ति कोई हैरान करने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी तय है अनिल जी कि 2019 की राह बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी अगर छत्तीसगढ़ में उनको जो नुकसान हुआ है, तो उसका कारण ये था कि वो जीत की जो उम्मीद थी वो नेगेटिविटी पे थी, वो उनका यही जो समीकरण था वो शुरू से देखते आ रहे थे कि योगी जी जो है, अजीत योगी जो है, वो कांग्रेस को नुकसान करते थे, जो डेंट करते थे, उस डेंट का फायदा बीजेपी को मिलता था, वो उसी उम्मीद में बैठे हैं। अभी भी जो है भाजपा यही सोच रही है कि कांग्रेस में जो असंतोष है, कांग्रेस का असंतोष फैलेगा, कांग्रेस भीतर घात होगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो अगर इस तरह से अगर आप चुनाव में जाते हैं कि दूसरों की कमजोरी के भरोसे आप जीत जाए, तो फिर वो दिक्कत वाली बात होती है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उन्होंने वो जो जारी किया था वो बहुत क्लिक किया, और उसका उनको फायदा मिला, कई कई जगह से 50,000 से 60,000 से जो इनके जो जीते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, और जो मतों का प्रतिशत जो है अंतर, जो पिछले चुनाव में 0.76 था, वो एक बार 10% से ऊपर अंतर से जीती है कांग्रेस। तो आपको ये इतना बड़ा जो गैप है, इसको कम करने के लिए आपको पॉजिटिव जो है अप्रोच करना पड़ेगा, आपको जो है लोगों को लुभावना। अब देखिए, अब ये तो समझ में आ गया है उनको, असम का भाजपा को भी, उन्होंने असम में भी कर दिया है किसानों के लिए कर्जा माफ, और ये झारखंड में भी बात चल रही है। तो अब आपको वही जो है जो कांग्रेस के हथियार है, उसी हथियार को आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो है जो भाजपा का जो हिंदुत्व का जो हथियार है वो छीनने की कोशिश की, सॉफ्ट हिंदुत्व के बहाने। तो आप अब राजनीति में तो ये तय हो गया है कि जो वो कर रहा है, अगर वो 4 रुपए दे रहा है तो मुझे 8 रुपए देना होगा, कि मुफ्तखोरी की जो आदत जो लगा दी है वोटरों को, ये एक नए परिवेश में बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू दिख रहा है। तो भाजपा को भी अब कुछ ना कुछ जो है नए लोक लुभावन को आगे तैयार करना होगा, अन्यथा भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है। जी, लोकसभा चुनावों के लिए क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी अपनी कुछ चेंज कर सकती है? ये करना ही होगा, अन्यथा तो मैंने पहले ही कहा कि अगर स्ट्रेटजी चेंज नहीं करते हैं तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होगी उनके लिए, क्योंकि जो उन्होंने विकास और जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो उन्होंने 15 साल में जो उन्होंने विकास तो किया है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसमें कहीं कुछ कोई शक नहीं है। 6,000 करोड़ का जो बजट कांग्रेस के समय में था आखिरी, उसके बाद आज जो है 90,000 करोड़ रुपए तक का बजट साल में चला गया है। तो ये विकास तो हुआ है, खर्चे तो हो रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली के मामले में जो है आत्मनिर्भर हुआ है, और जो कोर सेक्टर का जो है लोहा हो, सीमेंट हो, बिजली हो, या मानव संसाधन हो,
इसमें जो है कोर सेक्टर का जो है जो उसमें प्रोडक्शन उसमें हम 19% तक योगदान छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उत्पादन में है। तो ये कुल मिलाकर अगर ये सब चीजों को देखा जाए तो ये इन्होंने जो अपनी उपलब्धियां गिनाई तो जनता को अब ये उपलब्धियां विकास मेरे ख्याल से कहीं विकास अब एक मुद्दा जो है पीछे छूट गया है। अब जो मुद्दा यही आ गया है कि मुझे क्या मिलेगा और आप अब इस बात को भाजपा को ध्यान रखना पड़ेगा मुझे क्या मिलेगा और मैं क्या दे सकता हूँ, शायद अब इसी ओर भाजपा का रुख भी जाता दिख रहा है। जी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी तरह से हारी है बीजेपी। अनिल जी ये बताइए कि मंथन और चिंतन बीजेपी का क्या शुरू हुआ है, क्या वो सोच रही है कि क्या आधार रहे जिसके बिना पर जनता ने उन्हें इतनी बुरी तरह नकारा? जी जनता ने बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो यहाँ स्थिति हुई ऐसी स्थिति तो जो टुकड़े टुकड़े में बटी कांग्रेस थी जहाँ पे खुद भीतर घात के खुले दौर चले एकदम भीतर घात क्या खुला घात हुआ उनको भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। 15 में सिमट आई है 15 साल में जैसे भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल में ये 15 रह गए यानी एक साल में इन्होंने एक ही सीट जो है कमाई है। तो ये जो दुर्गति हुई है भाजपा की इसको आप दुर्गति ही कह सकते हैं। इस पर विचार मंथन तो शुरू हो गया है और विचार मंथन के साथ साथ क्या है अब गाहे बगाहे जो है छिटपुट आवाज भी निकलने लगी है। जो सबसे बड़ा फैक्टर था जिस पर कोई बोलता नहीं था वो था प्रशासनिक आतंकवाद। कुछ अफसर जो है यहाँ पर केंद्रीय सेवाएं से जो है रिटायरमेंट लेकर जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेकर जो है रिजाइन करके जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की सेवाओं में आए थे उनका आतंक तो था ही था और वो अब दिखने लगा है और बात भी हो रही है और इनके मंथन के दौर भी चल रहे हैं। अभी तो ये नेता प्रतिपक्ष ही तय नहीं कर पाए हैं, नेता प्रतिपक्ष इनको तय करना है, मात्र 15 ही बच्चे हैं तो बदलना तो इनको पड़ेगा और ये समीक्षाएं तो शुरू हो गई है। देखिए बहुत एक साथ एक कारण के कारण नहीं आ रही है भाजपा, इसमें कोई शक नहीं। अगर भाजपा एक ही कारण के कारण हारती तो वो समान रूप से सबके लिए लागू होता है। उसमें बड़े बड़े जो मंत्री हैं जैसे बृजमोहन अग्रवाल है और अजय चंद्राकर है और खुद रमन सिंह है ये भी हारते लेकिन ये तीनों जीते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो है जो जिसका परफॉर्मेंस नहीं था, मतलब आप मान के देखिए परफॉर्मेंस को भी जनता ने देखा है, उसके अलावा घोषणा पत्र को देखा है, उसके अलावा जो है यहाँ पर जो प्रशासनिक आतंकवाद था ये सब जो है इन पर जो भाजपा जो है चर्चा कर रही है। अब इनके चर्चा में इनके जो मंथन में क्या निकल कर आता है ये आने वाला समय बताएगा। जी शुक्रिया आपका अनिल जी जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। परिवहन के सुस्त चाल की समस्या से जूझ रहे उपार्जन केंद्रों पर असमय बारिश ने जमकर नुकसान पहुंचाया। खरीदे गए धान की सुरक्षा के लिए कैप कवर की व्यवस्था न होने की वजह से सैकड़ों कुंटल धान खराब हो रहा है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर किसान की खरीदी जमकर चल रही है। नई सरकार के शपथ लेते ही घोषणाएं पूरी होती देख किसान बड़ी संख्या में धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। रिकॉर्ड फसल के बाद अब उपार्जन केंद्रों में जाम की स्थिति बनने लगी है। लचर परिवहन व्यवस्था और परिवहन ठेकेदारों की मनमानी से उपार्जन केंद्र से धान का उठाव लगभग पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी, इसने खरीदे गए धान की बड़ी मात्रा खराब कर दी है। बद इंतजामी का आलम यह है कि कुछ केंद्रों में अंकुरण की भी शिकायतें आने लगी हैं। इस तरह की शिकायतें ब्लॉक के ग्राम कोटमी, लेवई और सिंगारपुर से सबसे ज्यादा सामने आई। जिला सहकारी बैंक जिले के 149 उपार्जन केंद्रों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। मिन्नतों के बाद भी परिवहन ठेकेदार जिस तरह मनमानी कर रहे हैं उसने बारिश से नुकसान का आंकड़ा बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सब में ढका था सर, लेकिन हवा पानी की वजह से ना थोड़ा बहुत हुआ है। क्या हुआ है? थोड़ा बहुत भींगा है, भींगे बाद में अंकुरित हुआ नीचे नीचे के। तो अंकुरित वाले धान को आप कैसा करेंगे? उसको छटनी करके ठीक धान को दूसरे बोरे में पलटी करके ये करेंगे। और जितना नुकसान हुआ है उससे तब वो कौन भरेगा? अब थोड़ा बहुत नुकसान हो गया सर, अब समिति के लिए काम कर रहे, समिति वाहन करेंगे। समिति क्यों करेगा? ढके तो आप लोग नहीं है। ढके सब ठीक है, अब जान बुझ के तो नहीं किए हैं, गलती मौसम की वजह से है। जब पहले से निर्देश था पूरा ढक दिया जाए, तूफान आ रहा है, पानी आ रहा है, तो क्यों नहीं किया गया पूरा? था सर, तो ऐसा कैसा ढकना कि जड़ निकला है? वो तो पानी है ना, पानी जो ऊपर से नीचे आता है तो नीचे चला जाता है, हल्का फुल्का पानी उसमें होगा तो मतलब नहीं किया जा सकता। आप बचा नहीं पा सकते? नहीं, बचा सकते थे बहुत बचाए हैं। असमय बारिश के बाद नुकसान की जाँच करने निकली टीम का कहना है कि कैंप कवर नहीं थे,
वहाँ स्टॉक के ऊपर का हिस्सा गीला हो चुका है। जहाँ पानी बहाव स्टॉक के नीचे हिस्से में हुआ है, वहाँ के निचले हिस्से की धान बोरियाँ गीली हो चुकी हैं। इसलिए समितियों को कैंप कवर और प्लास्टिक के तिरपाल की खरीदी तत्काल करने के आदेश दिए हैं। थोड़ा बहुत हवा पा है, कहाँ है कर सकती झिल्ली तो पर है ना, वो तीन दिन तक पानी गिरे है, तीन रात तक। हाँ, फिर ऊपर बाद वह कर तब खोले हैं। का दिक्कत है अभी? अभी हमें जरी दिक्कत ना। कितना कन है? पूरा नीचे में है? पूरा नीचे तक नहीं, ऊपर तक है भी। अच्छा, तो नुकसान है नहीं सरकार के? हाँ है। हाँ, अब पानी गिरी ना। हाँ, बचा नहीं पाए। हाँ, पहली से और तो पे रहे झिल्ली है, पाल होती तो नहीं लागती, तिरपाल तो त्रिपाल नहीं दिस। त्रिपाल दे है ते दे में लगे ना। आधा दूरा दे है। हाँ, त्रिपाल। हाँ, ठीक। सरकार ने भले ही किसानों को समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया, लेकिन किसानों की असल मेहनत पर कर्मचारियों की लापरवाही ने पानी फेर दिया। ऐसे में अगर जल्द से जल्द धान को ढकने की व्यवस्था नहीं की गई, तो हजारों क्विंटल धान गैराजों पर रखा यूं ही खराब हो जाएगा। फराज मेमन, टोटल न्यूज, गरियाबंद। प्रदेश की पांचवी विधानसभा सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर चुकी हो चुकी है। नए साल नए सत्र में नए विधायकों के साथ नई सरकार के स्वागत से लेकर हर तरह की तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये सत्र 2019 के पहले सप्ताह में शुरू होगा। इसके लिए अधिसूचना में 4 जनवरी से 11 जनवरी तक के लिए शीतकालीन सत्र की तारीख तय की गई है।